शादी के बाद फिर मुझे ये लगा कि आपका जो करियर है वो एंड होने वाला है सिक्सटी सिक्स बी पी दिया उसमें मेरा प्रलम्स क्लियर नहीं हुआ आफ्टर सम टाइम आई डिस्कवर्ड कि uh, मेरी बेटी पैदा होने वाली थी उस टाइम पे मुझे लगा कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया लोग कहते भी थे कि आप इतना पढ़ के करके लोगे आप वही करोगे ना जो बाकी कर रहे हैं इस बात से मुझे सख्त नफरत थी कि नहीं मुझे ये तो नहीं करना है लाइफ में मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना हार्डवर्क नहीं किया होगा और जो मैंने सिक्सटी सेवन्थ के लिए किया जब रिजल्ट आया तो मेरे हस्बैंड इतनी तेज़ चल रहा है वो हेलो एवरीवन मेरा नाम है नगमा तबिसुम और सरसठ बी पी में मैंने बावनवा रैंक हासिल किया है और मेरा चयन एस के पद पे हुआ है मैंने ये ये फीड मैंने अचीव किया है शादी होने के दस साल के बाद और काफ़ी लंबे स्ट्रगल के बाद मैंने डिसाइड किया कि जो स्टॉक के इस प्लेटफॉर्म पे मैं अपने स्ट्रगल को आपके साथ शेयर करूँ ताकि और भी बहुत लोग जो मेरे सिचुएशन में हो उनको एक इंस्पिरेशन मिले और शायद उनकी जर्नी मेरी ये स्टोरी सुनने के बाद चेंज हो जाए उनका माइंडसेट चेंज हो मेरी वजह से तो ये शुरुआत जो मेरी जर्नी की हुई थी वो एक काफ़ी लंबी जर्नी रही है मेरी मेरा जन्म हुआ था ईस्ट चंपारण के मोतिहारी में एक प्रखंड है तुरकौलिया बहुत छोटी सी जगह है वहाँ पे और मैंने अपनी प्रारंभिक जो पढ़ाई है मैंने वहीं से शुरू की थी मेरा स्कूलिंग हुआ था श्री राजा राम उच्च विद्यालय तुरकौलिया से जो कि हिंदी मीडियम में मैंने टेंथ क्लास तक वहीं पे अपनी पढ़ाई पूरी की उसके बाद मेरे स्ट्रगल का पहला जो अध्याय शुरू हुआ वो हुआ था जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाना है अपनी टेंथ के बाद तक की पढ़ाई करने के लिए काफ़ी अपोजिशन थे मेरी फैमिली ने भी बहुत अपोजिशन फेस किया लोगों ने ये कहा कि लड़की है इसे बाहर क्यों पढ़ने के लिए भेज रहे हो और ये भी था खुद के मन में भी था कि इनसिक्योरिटी uh, थी कि कहीं मैं कुछ बड़ा ना कर पाऊँ यहाँ से निकलने के बाद भी तो लोग बहुत ज़्यादा मजाक बनाएंगे मेरा तो मेरे फादर ने बहुत अपोजिशन फेस किया लोगों ने कहा कि सोच लो तुम लड़की को बाहर भेज रहे हो पढ़ाने के लिए कोई कहीं नाम ना हंसा दे तुम्हारा लोगों ने यह भी कहा कि तुम्हारे पास तो इतने पैसे नहीं है बिकॉज मेरे फादर आर्मी से रिटायर्ड थे और हमारा जो हमारी जो फैमिली थी वो सरवाइव कर रही थी उनके जो उनका जो पेंशन होता था उस पर तो इनकम भी इतना ज़्यादा नहीं था और ही वॉज़ मेनली डूइंग जो फैमिली में जो ज़मीन थोड़ी बहुत हमारी थी तो एग्रीकल्चर ही बेस्ड था और बाकी उनके पेंशन से जो पैसे आते थे तो इतना ज़्यादा कुछ इनकम नहीं था हमारे पास फर्स्ट मैंने स्ट्रगल फेस किया वो ये था कि मैं मुस्लिम समाज से थी तो लोगों में मुस्लिम समाज में जैसा आप सभी जानते हैं कि बिहार में जो विमेन का लिटरेसी रेट है वो ऑलरेडी बहुत लो है इट इज़ अराउंड फिफ्टी टू परसेंट और मेरे डिस्ट्रिक्ट में वो और भी ज़्यादा लो था स्पेशली जब आप माइनॉरिटी कम्यूनिटी से बिलोंग करते हैं तो हमारे कम्युनिटी में लोग विमेन को इतना फ्रीडम नहीं देते वो बाहर नहीं जाने देते हैं पढ़ने के लिए तो ये एक डिफरेंट फेसट्स थे जो मेरे स्ट्रगल के इसमें ये भी एक मेजर ऑब्स्टिकल रहा मेरे लिए फिर उसके बाद जब आ, किसी भी तरह मैंने एक क्राइसिस मैनेजमेंट पर्सनल लेवल पे करके मैंने अपने घर वालों को मना लिया और ऑल्दो एट अ वेरी यंग एज आई वाज ओनली 15 इयर्स 14 इयर्स आई थिंक तो बैक इन 2007 तो उस उस तो टाइम में इतनी बड़ी बात किसी ने मेरे गांव से शायद सोचा भी नहीं होगा कि कोई लड़की बाहर निकल के पढ़ने के लिए जाएगी वो भी किसी डिग्री कोर्स के लिए कोई प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए तो मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया मेरा स्ट्रगल यहीं पे खत्म नहीं हुआ वहाँ जाने के बाद मुझे फील हुआ कि जो बाकी बच्चे वहाँ पे थे वो बहुत अच्छे स्कूल से पढ़े हुए थे उनका स्कूलिंग बहुत अच्छा था उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था मेरा सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत वीक था मैंने हिंदी मीडियम से अपनी पढ़ाई पूरी की थी तो वो जो स्ट्रगल था वो वो उसने उसने जो कहते हैं ना कि आपकी आंख कान खोल दे खोल देने वाले थे तो मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया आई रिमेम्बर कि फर्स्ट डे जब मेरा क्लास में था और प्रोग्रामिंग की क्लास थी वहाँ पर तो जब टीचर ने स्टार्ट किया कि सी लैंग्वेज के बारे में तो आई थाट कि सी फो कार्बन होगा बिकॉज दैट्स ऑल आई न्यू अबाउट इट तो वहाँ पे ये था फिर कंप्यूटर की जब लैब हुई हमारी तो मुझे नहीं पता था कि सी किसे कहते हैं इसे ऑन कहाँ से करना होता है तो मैंने अपने फादर को

आई वॉज एबल टू सिक्योर थर्ड पोजिशन इन माई ब्रांच तो ये ये यहाँ पे एक तो मुझे लगा कि आई विल बी एबल टू डू समथिंग इन माई लाइफ मैं कर सकती हूँ हार्डवर्क से सब कुछ पॉसिबल है उसके बाद मैंने बी टेक कंटिन्यू किया आई टी ब्रांच में मेरी मम्मी और पापा का यह था कि अगर आपको हायर एजुकेशन करना है बिकॉज सोसाइटल प्रेशर भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा था कि एक तो लड़की को आपने बाहर पढ़ने के लिए भेजा है ऊपर से अगर आप सही एज पे शादी नहीं करते हो तो एक एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक वो हो जाता है कि आप कहीं भी जा रहे हो तो लोग सबसे पहले बात यही करते हैं कि आपने अपनी बेटी की शादी नहीं करी कर रही है बाहर के पढ़ रही है वो और एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होता है कि या में आपको शादी कर लेना है तो ये था कि ट्वेंटी uh, में जब मेरा हुआ तो, तो मेरे घर वालों का ये था कि आपको अगर हायर एजुकेशन कंटिन्यू करना है तो आप पहले शादी कर लो उसके बाद आपको जो भी करना है करो शादी के बाद फिर मुझे ये लगा कि आपका जो करियर है वो एंड होने वाला है अब आप शायद ये सब कंटिन्यू नहीं कर पाओगे तो उसकी वजह से एंड आफ्टर सम टाइम आई डिस्कवर्ड कि uh, मेरी बेटी पैदा होने वाली थी आई वॉज प्रेगनेंट तो उस टाइम पे मुझे लगा कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया यू वॉन्ट बी एबल टू डू एनी थिंग इन योर लाइफ और करियर भी फिनिश हो गया आपका आपने इतनी मेहनत करके आप वहाँ से निकले थे और उस जगह से निकलने के बाद भी अगर मैं कोई मार्क क्रिएट ना कर पाऊँ तो लोग शायद पूरी लाइफ के लिए ताने देंगे कि आपने इतना सब कुछ करने के बाद आप बाहर निकले बट आप कर क्या पाए वही जो सारी लड़कियां कर करनी हैं और लोग कहते भी थे कि आप इतना पढ़ के करके लोगे आप वही करोगे ना जो बाकी कर रहे हैं चूल्हे जलाओगे आप आप रोटी बनाओगे और ये ये बात इस बात से मुझे सख्त नफरत थी कि नहीं मुझे ये तो नहीं करना है लाइफ में बाकी मैं कुछ भी कर लूँगी तो ये था कि आ, मेरी बेटी पैदा हो गई ट्वेंटी में और उसी साल मुझे एम में एडमिशन लेना था मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया मैंने गेट का एग्ज़ाम क्रैक किया और मुझे एन में एडमिशन मिलने वाला था और जिस दिन मेरा काउंसलिंग चल रहा था Uh, मैं मैं वहाँ जा नहीं पाई बिकॉज मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी आई वॉज एबल टू ट्रैवल तो उस दिन मैं बहुत रोई थी कि इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए एन में मुझे एडमिशन मिल रहा है और मैं जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि आई वॉज नॉट वेल आई वॉज नॉट फीलिंग वेल आई वॉज प्रेगनेंट तो ये सारी वजह से फिर सम हाउ एम में एडमिशन का मेरा काउंसलिंग के थ्रू मेरा हो गया था वहाँ पे अगेन लाइफ आपको अलग अलग तरह से टेस्ट करती है और मेरा ये जो टेस्ट था बहुत डिफिकल्ट था अगर मैं अगर मैं अभी वापस देखूँ तो ये जर्नी शायद सबसे डिफ़िकल्ट मेरे लाइफ का फेज रहा होगा इस इंटायर जर्नी में तो जिस दिन मेरा एडमिशन था ए एम में वो सेम डेट था मेरा ड्यू डेट मेरी बेटी के पैदा होने का बट पता नहीं इतना करेज मेरे अंदर कहाँ से आ गया था मैंने सोचा कि नहीं मैं जाऊँगी एडमिशन लेने एंड आई ट्रैवल्ड विद माई हस्बैंड मैं वहाँ गई मैंने एडमिशन लिया और इस इस पूरे प्रोसेस में जो इंसान सबसे स्ट्रांगली मेरे साथ खड़ा रहा था वो थे मेरे हस्बैंड तो किसी भी तरह मैंने एडमिशन वहाँ पे ले लिया एंड आई केम बैक और दो दिन के बाद मेरी बेटी पैदा हुई और वो शायद हर किसी की लाइफ में बहुत ही जॉयफुल मोमेंट होता है कि आप पेरेंटिंग के लिए एक नया चैप्टर अपनी लाइफ का स्टार्ट करते हैं आई वॉज वेरी डिप्रेस आई वॉज जॉयफुल बहुत सारे इमोशंस थे जो एक साथ आ रहे थे उसके बाद मेरी फैमिली मेरे हस्बैंड सबका सपोर्ट था सब लोग साथ में थे जब मेरी बेटी ट्वेंटी डेज की थी तो मेरे कॉलेज से एक इंटीमेशन लेटर आया कि आपको क्लासेस आके ज्वाइन करनी होंगी नहीं तो फिर यूल हैव टू यू नो मै कैंड सीट तो फिर ये था कि एक और दूसरा टेस्ट तो आप समझ सकते हैं कि ट्वेंटी डेज अभी मैं शायद रिकवर कर रही होती घर पे होती रेस्ट कर रही होती मैंने रिजर्वेशन कराया आई वेंट टू अलीगढ़ वहाँ पे जाने के बाद मैंने अपनी क्लासेज रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू किया है विदाउट टेकिंग यू नो एनी डेड टू डू लैब ड्यूटी करनी होती है और क्लासेजर फिर उसके बाद मैं वापस आती थी अपनी ड्यूटी करने के लिए अपनी क्लासेज करने के लिए और ये रोज कंटिन्यू रहता था इट कंटिन्यूड फॉर एंटायर टू ईयर्स तो ऐसे करके मैंने अपना एम टेक कंप्लीट किया एम टेक जब मेरा फिनिश हुआ था मैं किसी प्लेसमेंट के लिए नहीं बैठी थी आई न्यू की मुझे कॉर्पोरेट जॉब नहीं करना है तो ये मेरा पहले से गोल क्लियर था तो फिर मैंने जब बैठ के सोचा कि आखिर करियर में जब मुझे कॉर्पोरेट जॉब नहीं करना है तो करना क्या है मुझे मेरे जो ससुर हैं उनका एक आइडिया था कि आप पढ़ने में अच्छे हो तो क्यों नहीं आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम दें पता नहीं था कि किस समंदर में गोते लगाने जा रहे हो आप बस शुरू कर दिया था कि कुछ करते हैं देखते हैं कि कैसे एग्जाम है ट्राई करेंगे उसको जब शुरू किया कोई आइडिया नहीं था कोई गाइडलाइन नहीं था बीपीएससी की तैयारी मेरी शुरू हुई जब चौंसठवीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया था तो मुझे आइडिया नहीं था और मेरा प्रिपरेशन भी अभी बहुत ज्यादा एक मेच्योर लेवल तक नहीं पहुंचा था आई वाज जस्ट अ बिगिनर मैंने मेरे हस्बैंड ने फॉर्म डाला सबसे पहले उन्होंने मुझे पुश किया कि नहीं अभी दे दो आप देखो क्या होता है जब मैंने चौंसठी बी पी का एग्जाम दिया तो मेरा प्रिलिम्स सम क्लियर हो गया जब प्रिलिम्स क्लियर हो गया तो मैंने उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया मुझे लगा तो, पता चला कि नहीं, आपका तो नहीं हुआ है फिर मैंने एक साल का ब्रेक ले लिया था मैंने उसके मैंने नहीं दिया। फिर मैंने 66 दिया उसमें मेरा प्रिलम्स क्लियर नहीं हुआ जब प्रिलम्स क्लियर नहीं हुआ तो वो जो झटका लगा ना मुझे कि आपने तो लास्ट टाइम बिना किसी तैयारी के आपने प्रिलिम्स निकाल लिया था इस बार आपका पीटी ही नहीं क्लियर हो रहा है तो वो झटका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा था एंड मुझे लगता है कि अगर मैं कहूँ ना कि वो लोएस्ट एप था मेरी लाइफ का तो ये गलत नहीं होगा कहना बिकॉज वो उसने मुझे हिला के रख दिया था कि आप हाँ पी भी क्लियर नहीं कर पा रहे हो आप मेन्स लिखने के बाद तो शायद मैंने बैठ के सोचा पहली बार मैंने बहुत रोया कि किसी रिजल्ट के बाद मैं कभी रोती नहीं हूँ बिकॉज ऐसा कभी मोमेंट आया नहीं था मैंने बहुत रोया उसके बाद मैंने सोचा कि अब आगे, आगे आपको क्या करना है और वो फर्स्ट टाइम था कि मैंने अपनी बुक्स वुक्स पैक करके मैंने उसको साइड कर दिया मैंने सोचा कि नहीं अब मुझसे नहीं होने वाला है ये ये एग्जाम में क्रैक नहीं कर सकती हूँ बट फिर मैंने बैठा और मैंने सोचा मैंने रियलाइज किया कि आखिर ये मैंने जर्नी स्टार्ट ही क्यों किया था मैंने आफ्टर डूइंग माई मास्टर्स और एक सर्टन लेवल ऑफ स्टैंडिंग जब आप अपनी फील्ड में क्रिएट कर लेते थे उसको मैंने जब वो मेरा कम्फर्ट जोन बन गया था मैंने उसको छोड़ दिया और मैंने स्विच कर लिया और अब जब स्विच कर लिया था मैंने तो अब मैं फिर से गिव अप करने का सोच रही थी देन आई रिफ्लेक्टेड बैक ऑन माई जर्नी कि ड्यूरिंग माई एम टेक जो स्ट्रगल मैंने फेस किया था वो छोड़ने के बाद जब मैं यहां आई हूं तो वो स्ट्रगल को मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी तो सिविल सर्विसेज के पीछे जो एक मोटिवेशन था बीपीएससी के पीछे वो ये था कि यू हैव टू गिव बैक टू सोसाइटी जो आपने जिस सोसाइटी ने शुरू में आपको क्रिटिसाइज किया था कि वुमेन कुछ कर नहीं सकती स्पेशली जब आप मुस्लिम कम्युनिटी से हो आपको तो फ्रीडम ही नहीं मिलता है आपको तो कोई कोई आपके ऊपर ट्रस्ट शो नहीं करता कि आप घर से बाहर जा रहे हो तो यू विल डू समथिंग गुड टू योर लाइफ तो मुझे ये जो सोच थी ना वो मुझे बदलनी थी बिकॉज जो मेरे आस पास लड़कियाँ थी कई बार वो लोग मुझसे कहते थे कि आप बाहर पढ़ने गई हैं बहुत प्रिविलिज हैं आप बिकॉज हम लोगों को तो इतना फ्रीडम नहीं मिलता है और उस प्रिविलेज को मैं वेस्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि मैंने गिव अप करने का सोच लिया लाइफ में या मुझसे एक एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा ये सब चल रहा था मन में उसके बाद लाइफ ने कुछ और ही मेरे लिए प्लान किया था मेरा बेटा पैदा होने वाला था तो ये जब भी लाइफ में मैंने मुझे लगा ना कि एक सर्टेन स्टेज पे मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया है विनर तो लाइफ एट मुझे थ्रो बैक करती थी लोअप एक नया चैलेंज है आपके पास तो वहां से शायद एक अलग ही जर्नी स्टार्ट हो रही थी ऑल ये ये चीजें पहले भी मेरे साथ हो चुकी थी कि जब आप एक सर्टन कम्फर्ट लेवल पर आ जाते हो एक नया चैलेंज आता है बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट बिकॉज एक ऑलरेडी डिमांडिंग एग्जाम था जिसकी तैयारी में आप लगे हुए थे और आपने अपना कम्फर्ट जोन छोड़ दिया था कोई करियर नहीं था आपके पास यू आर अप्रोचिंग और थर्टीज तो ये सारा प्रेशर एक डिफरेंट था ऊपर से लोग जो बातें करते थे अब कितना पड़ेगी अब तो आ, इतनी उम्र हो गई आपकी उस सब के बीच में भी मेरे दिमाग में स्ट्रैटेजी और एग्जाम चल रहा था जब मेरा बेटा पैदा होने वाला था तो फिर ये हुआ कि आ, मैंने मैंने सोचा कि एक और अटैम्प्ट देखे ट्राई कर दे इट विल बी माई फाइनल अटैम्प्ट मैंने मैंने इस सबके बीच में जब मेरा बेटा पैदा हो गया उसके बाद मैंने थोड़े दिन का ब्रेक लिया वन टू मंथ्स का ब्रेक लेके आई वेंट टू लाइब्रेरी मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था उसके जस्ट बाद मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया तो बहुत छोटा था बे, बेटा मेरा मैंने बहुत मन लगा के पढ़ाई के मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना हार्ड वर्क नहीं किया होगा और जित जो मैंने सिक्सटी सेवंथ बी के लिए किया सेप्टेम्बर थर्टीथ को मेरा एग्जाम हुआ एंड जब मैं एग्जाम हॉल से निकली आई न्यू वेरी वेल कि आई गेट थ्रू और मेरा स्कोर भी बहुत अच्छा आ रहा था आई वॉज स्कोरिंग अराउंड वन ट्वेंटी तो प्रीलिम्स वॉज श्योर फिर आ, मेंस में बहुत कम टाइम बचा हुआ था इट वाज अराउंड थ्री मंथ्स की अब दिसंबर में आपका मेंस होने वाला है तो मैंने फुल फ्लेजेडली मेन्स आंसर राइटिंग प्रोग्राम अपना जो भी था मैंने स्टार्ट कर दिया डेली आंसर राइटिंग किया उसके बाद बहुत सारे टेस्ट लिखे मैंने और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जो आंसर राइटिंग का जो इंपॉर्टेंस होता है इट डज़ नॉट मैटर कि आप कितना ज्यादा जानते हैं क्योंकि मैंने भी बहुत पढ़ाई करा था पिछले चार साल से मैं कंटिन्यूसली पढ़ रही थी पढ़ रही थी तो मैंने बहुत पढ़ा था बट मेरे साथ भी वही इशू था लास्ट वाले अपने अटैम्प्स में कि आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ बोलने में ठीक था बट वो जब लिखने बैठो तो ऐसा लगता था कि एक दो लाइन के बाद कि अब क्या लिखेंगे अब आपको तो कुछ पता ही नहीं है तो आंसर राइटिंग आपके डिफरेंट स्किल्स को चेक करता है कि आप कितने अफेक्टिवली उतने कम टाइम में उतने लिमिटेड वर्ड्स में आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं इम्पैक्टफुली वो भी बिकॉज एग्जामिनर के सामने आप नहीं होते आपकी कॉपीज जाती हैं और वो बहुत ही न्यूट्रल एक वे में आपको चेक करते हैं आपको इवेलुएट करते हैं कि आप कितना बेटर जानते हो कितना आपका ग्रास टॉपिक के ऊपर जो आपसे पूछा जा रहा है तो इतना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेरा हो गया था कि वो अब जब भी आप पेपर लिखने बैठो ना तो वो ऑटो पायलट मोड में चलता था कि क्वेश्चन आए

फिर इंटरव्यू का स्टेज आया इंटरव्यू के लिए मेरे पास अराउंड ट्वेंटी डेज थे बिकॉज uh, मेरा फर्स्ट डे फर्स्ट स्लॉट में मेरा इंटरव्यू शेड्यूल्ड था इंटरव्यू में मेरे वन ऑफ द हाइस्ट मार्क्स है देन केम द रिजल्ट डे कि जिस दिन मेरा फाइनल रिजल्ट आने वाला था मैंने डिलीवरेटली अपना फोन ना स्विच ऑफ करके साइड में रखा हुआ था कि मैं नहीं देखूंगी रिजल्ट अपना मेरे अंदर कभी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं अपना रिजल्ट खुद से चेक करूँ तो वो नीचे वाले फ्लोर पर बैठे थे हम लोग ऊपर अपने कमरे में थे मैं मेरा भाई मेरी मम्मी पूरा फैमिली बैठा हुआ था कि अब देखें क्या होता है तो जब रिजल्ट आया तो मेरे हस्बैंड फ़ोन उन्होंने जब सर्च किया मेरा नाम उसमें आया इतनी तेज़ चल रहा है वो कि पूरा घर सब ने सोचा कि आसपास वाले भी जमा होंगे कि हो क्या गया इतनी क्या बढ़ गया ऐसा क्या हो गया उन लोगों को बोला किस कोई बीमार हो गया कुछ ऐसा हादसा हो गया बट वो खुशी में उन्हें समझ नहीं आया कि और क्या करना चाहिए बहुत तेज़ चल रहा है वो और उसके बाद उन्होंने बस आके इतना बोला कि नगमा एस डी एम ठीक है फिर देन हम लोगों ने सर्च किया कि अच्छा मेरा रैंक क्या है तो आई वॉज एबल टू सिक्योर फिफ्टी सेकेंड रैंक बावनवा रैंक था मेरा फिर हम लोग बैठ के बस रोए हैं 10 टू 15 मिनट्स फैमिली में रोने का प्रोग्राम चला है मैं बहुत रोई हूँ बिकॉज जैसे मुझे पता चला ना एक तो मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि ये मेरा आखिरी अटैम्प्ट होगा इसके बाद मैं तैयारी नहीं करूँगी तो जो एंटायर जर्नी थी ना मेरी वो रिफ्लेक्ट हो गई मेरे आँख के सामने विद इन फाइव मिनट्स की जो स्ट्रगल मैंने फेस किया जो बच्चे को छोड़ छोड़ के लाइब्रेरी जाना और मैं टाइम नहीं दे पाती थी कि आ, उन लोगों की जो चीज़ें जो उनके लिए स्पेशल था उसमें मैं कभी शामिल नहीं हो पाती थी जैसे जब भी मेरी बेटी का पेरेंट टीचर मीटिंग होता था मुझे याद है कि पिछले चार सालों में मैंने एक या दो ही मीटिंग अटेंड किया होगा मैं कभी उन्हें छोड़ने भी नहीं जाती थी तो इन अ वे मेरे हस्बैंड मेरे बदले में वो डबल ड्यूटी कर रहे थे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और जो उनकी थी वो भी तो ये सारी जर्नी मेरे सामने रिफ्लेक्ट हो गई और फिर बहुत सारे मिक्सड फीलिंग्स थे इमोशंस थे जो एक साथ बाहर निकल आए तो मैं बहुत रोई उसके बाद थोड़ा सेटल डाउन हुआ तो पता चला कि अच्छा ठीक है इतनी बड़ी बात ही और जो जो मुझे मुझे चाहिए था था। वो मुझे मिल गया था। तो यहीं पे मेरी जर्नी खत्म होती है। बाकी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए मैं मैसेज देना चाहती हूं कि सक्सेस uh, को सिर्फ आप एंड ट्रीट ट्रीट नहीं करिए, करिए। और ज्यादा ट्रस्ट शो करिए आप रिजल्ट के पीछे भागे। जो, दो मेरी जो की तो आप अपने जर्नी जो आपकी आ, प्रोसेस जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन का है ना उसपे आप ज्यादा फोकस पुट करिए ना कि रिजल्ट पे, इसने इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एक आप पर देखे ला मिल तो जे तो, नाम है जोश टॉक्स बिहार बिहार तो के भाई बढ़िया घंटा उंटा दबा नोटिफिकेशन आते रहे अरे जब मन होले उदास तब खोल लेल की जोश हाँ। तो भी आग अगर वाद देखा लेल मन के तरोताजा कर लेल की के, एकदम मोटिवेशन लेल की काम शुरू कर लेल सफलता कैसे नहीं मिलती एकदम मिलती झंडा गाड़ दो